कैसे हो आप सब? आज जो है हमारे पास में टॉपिक, हमने कल शुरू किया था इंटीग्रेशन के, उसी के हमने 2 दिन हो गए, कल भी किया था, परसों भी किया था, आज भी हमारे इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं जो हमारे पास में भी फिजिक्स के अंदर जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम ही उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अभी सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, देखो बेटा आपके पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल मोशन में, उस पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है वी बराबर में वी नॉट प्लस में लैम्बडा एक्स, जहाँ पे वी नॉट और लैम्बडा जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी, कि टी की टर्म्स के अंदर आप जो है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में वी इज इक्वल टू क्या गिवन है, लैम्बडा एक्स। हम क्या करें, इसको डिफ्रेंसिएशन करें सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास में क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है टी की टर्म में, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास में भाई एक्सेलरेशन होगा, क्या मैंने बताया था आपको कि एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यानी एक्सेलरेशन तो है नहीं हमारे पास में, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो उस एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से पहले मैं वी को इंटीग्रेट करूंगी, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टी की टर्म में बोला है यहाँ पे। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट है 0 लैम्बडा डी एक्स बाई डी टी, आ गया आपके पास में, ये क्या बन गया ए, ये क्या बन गया लैम्बडा, और डीएक्स बाई डी टी क्या होती है भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ से हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ से इसको अब जो है ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा वी, ठीक है। हमें चाहिए क्या है, यहाँ से आपके जो है निकालना क्या है कि भाई आपके पास में वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, तो उस वेलोसिटी को हम कैसे करेंगे। तो देखो मैं यहाँ कंडीशंस लगा रही हूँ, मान लो जब आपके पास में इनिशियल जो है यानी कि टाइम क्या था, 0 था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नोट है, जब टाइम टी हो गया है वेलोसिटी हमने वी मान ली, तो इसको मैं क्या करूँ, सबसे पहले इंटीग्रेट करूँ, कैसे करूंगी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो डीवी है, इस वी को इसके नीचे ले जाए और टी टी को उधर ले जाए, तो ये क्या आ गया डीवी बाई वी इज इक्वल टू लैम्बडा डी टी, और इसको आप इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, इसको 0 से वी, और जब आपके पास ये 0 है ये वी नोट है और ये वी हो गया और यहाँ से टी हो गया, ठीक है। तो अब 1/x dx मैंने इंटीग्रेशन बताया था क्या होता है, लॉग एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वी, और इसकी पावर्स क्या आ गई, लोअर लिमिट वी नॉट अपर लिमिट वी, लैम्बडा कॉन्स्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और ये क्या बन गया 0 to t, तो ये तो लैम्बडा टी रहेगा। अब ये क्या आ गया आपके पास में लॉग लॉग ई वी नॉट वी माइनस लॉग ऑफ वी नॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी है, लॉग ए माइनस लॉग बी को हम क्या लिखते हैं लॉग ई अपॉन में, इसके बाद मैं यहाँ लिख के जा रही हूँ, याद रखना वी अपॉन में वी नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा टी। अब यहाँ से लॉग को हटाने के लिए हम क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे इस लॉग का, तभी हटेगा, तो वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर लैम्बडा टी, एक्सपोनेंशियल में चले जाते हैं जब भी आप लॉग को हटाते हैं, तो वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वी नॉट ई की पावर लैम्बडा टी। क्या पूछा था आपसे, यही पूछा था कि आप टी के टर्म्स में इसकी वेलोसिटी निकालो, तो हमारे पास में टी के टर्म्स में क्या आ गई वेलोसिटी। एक बार फिर से देखिए क्या दिया हुआ था, एक पार्टिकल मूव कर रहा था, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या दे रखी थी बेटा, वी बराबर में वी नॉट प्लस में लैम्बडा एक्स, यहाँ वी नॉट और लैम्बडा जो है क्या बता रखे हैं कॉन्स्टेंट, तो पूछा क्या है बताइए वेलोसिटी क्या होगी टी की टर्म्स में, तो हमने क्या दिया वी बराबर में वी नॉट प्लस में लैम्बडा एक्स है। तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि हमें वेलोसिटी तभी मिल सकती है जब हमारे पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन में बताया था बेटा हम उल्टा चलते हैं, डिफ्रेंशिएशन में हम क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, लेकिन जब हम क्या करते हैं कि भाई वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट किया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई लैम्बडा वी आ गई, डीवी बाई डी टी जो है लैम्बडा वी रख दिया, और इसको हमने डीवी बाई इसको वी के नीचे लेके गए, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, और यहाँ से फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया 1/x dx क्या होता है लॉग एक्स, तो लॉग वी बन गया और इसका डी टी का टी बन गया, तो आपके पास लॉग वी माइनस लॉग वी नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा टी, लोग ए माइनस लोग बी या लोग ए अपॉन बी लिख सकते हैं लैम्बडा टी, लोग को हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल में आ गया वी बराबर में वी नॉट ई की पावर लैम्बडा टी आ गया। तो हमें निकालना क्या था, फाइनल वेलोसिटी निकालनी, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी जो है एक मूविंग पार्टिकल की पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या दे रखी है, वी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दे रखी है बेटा आपको,
क्या पूछा है, जब टी जीरो है तो एक्स भी जीरो है, तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है किस टर्म में, टी की टर्म्स में। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं जो है यहाँ से वी को, वी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो हम क्या करेंगे, वी को जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम अल्फा एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अल्फा कॉन्स्टेंट है, 1/2 को आगे ले एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो आपके पास क्या आया 1/2 अल्फा एक्स की पावर माइनस 1/2 हो गया, ठीक है, आपके पास में ये आ गया ना भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में करना था तो इसको हमारे पास में वैल्यू आ गई है। और अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, डी एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, और डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, डीवी बाई डी एक्स भी हमने निकाल रखा है, इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, और वी हमारे पास दे रखा था, तो वी की वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स की पावर 1/2, और डीवी बाई डी टू क्या आया है, डी टी जो है अल्फा एक्स की पावर, अल्फा एक्स की पावर माइनस 1/2, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और ये क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर 2/2 आ गया, हाफ अल्फा स्क्वायर जिसको बोल सकते हैं, आपके पास में क्या आया, ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब निकालना क्या है आपको, यहाँ से वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इनिशियल यानी पोजीशन जीरो है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी यहाँ पे, जीरो इनिशियल, तो जीरो प्लस में ए की वैल्यू हाफ अल्फा स्क्वायर टी, तो क्या आ गया आपके पास में, वेलोसिटी आ गई फाइनल। देखो क्वेश्चन क्या था, कि आपके पास में एक पार्टिकल है पॉजिटिव एक्सिस में मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, जब टाइम जीरो है तो x भी जीरो है, तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना था t की टर्म्स में, ये वेलोसिटी किस टर्म्स में है, x की टर्म्स में है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो v किसके पर डिपेंड कर रहा है, x के पर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले मैं इसको अल्फा x की पावर 1/2 रख दिया, तो भाई v x का फंक्शन है, तो v को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारे पास निकाल दिया। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, तो इसको मैंने क्या किया, इसकी भाई हमारे पास डीवी बाई डी एक्स है, तो मैंने इसको डीवी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएक्स से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, डीएक्स बाई डी टी क्या बन गया हमारा, वेलोसिटी, और डीवी बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी हमारे पास दे रखी, मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व किया, हाफ अल्फा स्क्वायर आ गया। अब क्या चाहिए, वेलोसिटी की जो मूव कर रहा है टी सेकंड के बाद में क्या आएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी क्या हो गया है, यू क्या हो गया, नहीं सर, वेलोसिटी जीरो, और ये ए टी जो है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या आ गया, हाफ अल्फा स्क्वायर टी आ गई। क्या है, एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन जिसका दे रखा है जी माइनस ए बराबर जी माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है, और जब ये ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस वाई एम पे, तब उसकी वेलोसिटी वी नोट है, और फिर वो क्या हो गया, रुक गया फाइनली, ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा क्या है कि बताइए उसकी जो है आपके पास में लैम्बडा की वैल्यू, जो लैम्बडा क्या है, कॉन्स्टेंट है, उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है बेटा, तो जब उसने वाई एम डिस्टेंस कवर कर ली है, ठीक है, उस केस में क्या निकालना है, यहाँ से लैम्बडा निकालना, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी, और अभी हमने क्या पढ़ा था, डीवी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, डीएक्स से डिवाइड किया, क्या बन गया, ये बी डीवी बाई डी एक्स बन गई आपके पास में, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ से, देखो आपके पास नहीं किसका फंक्शन है, डीवाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स की जगह मैं डीवाई वाई से कर दूंगी, क्योंकि वाई की बात कर रहा है, तो इसको हम वाई ले लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में क्या बन गया, ए इज इक्वल टू वी डीवी वाई डी वाई इज इक्वल टू जी माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर, यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी डी वाई डीवी जी माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर, और इसको डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट की लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक रखेंगे, देखो इनिशियल जब आपके पास में डिस्प्लेसमेंट क्या था उसका, देखो क्या बोल रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज वी नोट, यानी कि जब वाई क्या है जीरो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नोट, और जब इसने मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कहां कितना डिस्टेंस ले लिया, वाई एम, तो ये फाइनली क्या हो गया, रुक गया है, लिमिट वैल्यू रखती भाई, कहां से चला था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो था, वाई जीरो था, तो वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट, और फाइनल जब वाई एम डिस्टेंस ने कवर किया है, तो फाइनली क्या हो गया, रुक गया, तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी जीरो होगी, करें इसको इंटीग्रेट, तो आपके पास में इंटीग्रेट करेंगे, तो वी का जो है इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास में, वी की पावर 2/2 और लिमिट्स वी नॉट टू जीरो, और ये क्या आएगा, जी डी वाई अलग अलग करो, जीरो टू वाई एम माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर डी वाई जीरो टू वाई एम
तो आपके पास में इसका तो आ जाएगा 0 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये तो इज इक्वल टू अपर लिमिट, पहले इसकी वी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इधर देखो जी, यहाँ पे क्या था कॉन्स्टेंट, डी वाई क्या है, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई, और इसमें वाई, इसमें अपर लिमिट 0 और वाई है माइनस लैम्डा वाई की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट्स 0 टू वाई है। तो आपके पास में क्या आ गया माइनस, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रही हूँ क्योंकि इसमें आ नहीं रहा अभी। तो आपके पास में क्या आ गया माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी वाई एम माइनस 0 माइनस लैम्डा वाई एम, 3 भी बाहर ले लो, और वाई एम क्यूब बन गई, ये आ गया। और इसको आप खोलेंगे तो क्या आएगा जी वाई एम माइनस लैम्डा वाई 3 वाई एम क्यूब, ठीक है बेटा। आपको निकालना क्या है यहाँ से कि भाई आपके जो है इसके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इस लैम्डा को आप क्या करो एक साइड ले जाओ, लैम्डा निकालना ना आपको, तो यहाँ से आप क्या करो ये वैल्यू आ रही है माइनस को इस साइड ले जाओ, लैम्डा वाई 3 वाई एम क्यूब इज इक्वल टू जी वाई एम और माइनस प्लस हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 और ये लैम्डा इज इक्वल टू 3 ऊपर चला गया 3 जी वाई एम और नीचे जो है क्या बन गया वाई एम क्यूब प्लस में 3 वी नॉट स्क्वायर बाई वाई एम क्यूब। तो ये आपके पास में लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास में ये क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था और इसने यहाँ पूछा था कि पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो आपके पास इनिशियल ये है, जब वो इनिशियली चला था उसके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है क्या था, यानी कि वेलोसिटी वी नोट थी, और जैसे उसने वाई एम डिस्टेंस कवर किया वो फाइनली रुक गया है। तो बताइए आपके पास इस लैम्डा की वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आपके पास में ए दिया हुआ था, इसको मैंने डिफरेंस, इसको ऐसा लिख सकते हैं डीवी बाई डीटी होता है, मैंने यहाँ से क्या किया डीवाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डीवाई से डिवाइड कर दिया, और डीवाई बाई डीटी क्या होता है वेलोसिटी, डेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको बी कर दिया और ये डीवी बाई डीवाई बन गया एज इट इज, ठीक है। आपके पास ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, और यहाँ से हमने ये किसके इक्वल था, ये वैल्यू थी, मैंने इसको क्या किया डीवाई को इधर लिखी गई, ठीक है, और इसकी लिमिट वैल्यू रख दी। इनिशियल जब वेलोसिटी क्या डिस्प्लेसमेंट 0 था, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और जब वाई एम डिस्प्लेसमेंट लिया फाइनली रुक गया है, लिमिट रख दी। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक ऐड कर दो, वही नीचे आ गई और वी नॉट टू 0 बराबर में जी डी वाई, इसको अलग अलग खोल दिया, इसका इंटीग्रेशन किया जी कॉन्स्टेंट, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई होता है, और ये इसका किया वाई की पावर 3 अपॉन 3 आ गया। आपके पास में क्या आ गया माइनस वी नोट स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल टू जी वाई एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लैम्डा अपॉन 3 वाई एम माइनस 0 करेंगे 0 ही रहेगा। तो यहाँ से मैं इस टर्म को देखो, इसको खोल दिया है 0 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया ये, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया इस टर्म को इधर लेके गई, इस टर्म को उधर ले आई, तो आपके पास ये बन गया लैम्डा की वैल्यू क्या आई 3 जी वाई एम अपॉन वाई एम क्यूब प्लस 3 वी नॉट स्क्वायर बाई वाई एम क्यूब। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास में वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यही से आपके पास क्या पूछा था कि जो है आप इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे 2 और था तो 2 और कर लेने, एलसीएम ले लेंगे फिर हम इसका।